escalation between the heavily armed ballistic missiles and Israel. इसराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर सिलसिलेवार तरीके से हमले किए और कहा कि हमलों में उन स्थानों को निशाना बनाया गया है जहां उसके देश पर दागी गई मिसाइलें बनाई गई थी। ये पहली बार है जब इसराइल की सेना ने ईरान पर खुलेआम हमला किया। इसके अलावा 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के बाद से किसी भी दुश्मन देश ने ईरान पर इस तरह पहली बार लगातार हमले किए हैं। इसराइल ने शनिवार की सुबह करीब 2 बजे एक साथ 100 फाइटर जेट से ईरान की तरफ भीषण हमले के इरादे से रुख किया। इसराइल के फाइटर जेट ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर आग बरसा दी। अब इसराइल ने हमले से पहले की तैयारियों की कुछ फोटो भी जारी किए हैं, साथ में लिखा है कि हम इसराइल के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। इसराइल का घंटों चला यह हमला तेहरान में सूर्योदय से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ। इसराइल ने कहा कि वो ईरान में हमला कर सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स की महिला पायलट भी शामिल थी। इसराइल ने कल रात हुए हमले से पहले वायुसेना विमान के कॉकपिट में बैठी महिला पायलटों की फोटो शेयर कर पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेटेंस में महिला पायलट भी शामिल थी। इसराइल ने ईरान पर बारूदी हमला किया है। F-35 फाइटर जेट से ईरान पर बम बरसाए और करीब 20 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी। 100 स्टील्थ F-35 फाइटर जेट से हमला किया गया। लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी निशाने पर लिया। तेहरान और करज में सबसे ज्यादा हमले हुए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सैन्य ठिकानों पर इसराइली हमलों की निंदा की और कहा कि ईरान जवाब देगा। विदेश मंत्रालय एक बयान में कहा गया है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पहले इसराइल के विपक्षी नेता यायर लापिद ने कहा कि सेना को ईरान पर और अधिक बड़ा हमला करना चाहिए था। एक्सियोस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायली हमले में ईरान के 4 S-300 एयर डिफेंस बैटरियां, जिन्हें सामरिक स्थानों पर तैनात किया गया था, वे सभी इजरायली हमले में नष्ट हो गए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन प्रदान करने वाले 12 ग्रही मिक्सरों को भी नष्ट कर दिया गया है। Fears of an escalation between the heavily armed foes have soared since October 1st, when Iran launched around 200 ballistic missiles at Israel, killing one person in the Israeli-occupied West Bank in response to earlier Israeli moves. Deakin Institute said it wasn't in Iranian leaders' interest to escalate further.